हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश और नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और हमने लेसन 16 तक कंप्लीट कर लिया है और लेसन 16 तक आपने सीख लिया है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें कैसे बनाना है और कैसे कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट बनाएंगे। और हमारा यहाँ से सोशल मीडिया का वर्क जो था वो ख़त्म हो गया, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो अभी तक हमने जो सीखा कि ऑनलाइन लिस्ट कैसे बनाना है, अब हमारी जब लिस्ट बन गई है तो हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको 11 स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको सोशल मीडिया पे लोग कितना भी जानते हो, लोग आपको कितना भी पहचानते हो, लेकिन पहल करने की आदत आपको डालनी होगी। आपको अपने बिजनेस की पहल करनी होगी। आपको इंतजार नहीं करना है कि सामने वाला आपसे आके पूछे तो आप उससे बात करेंगे, आप उससे पहल करने की आदत डालेंगे। नंबर टू, आस्क द राइट क्वेश्चन, सवाल पूछना है। इसके लिए मैं आपको 4 सवाल पूछने के तरीके बताती हूँ। सबसे पहले आपको पूछना है आप क्या करते हैं, दूसरा सवाल आप कब से कर रहे हैं, और तीसरा सवाल आपको करने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, और चौथा सवाल क्या आपने कभी इसके अलावा कुछ और करने के बारे में सोचा। और ये 4 सवाल करके आप चुप हो जाएंगे जब तक सामने वाला आपको जवाब नहीं देता। और इस तरह से आपको अपनी बात आगे बढ़ाना है और पहल करना है। ज्यादा देर तक हेलो हाय में टाइम नहीं लगाना है, अपना पर्पस उसके सामने रखना है और उससे कुछ राइट सवाल पूछने हैं। तो इस तरह से ये हमारी है दूसरी स्ट्रेटजी प्रोस्पेक्टिंग करने की। नंबर 3, आपको 3 रोल निभाने पड़ते हैं। आप कंपनी के मालिक भी होते हैं, प्रोडक्ट भी आपका होता है और आप एक काउंसलर का रोल भी अदा करते हैं। तो ये 3 रोल आपको बहुत अच्छे तरीके से निभाने हैं। नंबर 4, आपको ये ध्यान रखना है ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का है और कोई भी आपकी बात सुनते ही हाँ नहीं बोल देता। तो आपको किसी से भी रिलेशन खराब नहीं करने हैं, आपको अपना प्लान दिखाना है। अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाइए, ठीक है कोई बात नहीं। और आप एक पोस्चर अपना हाई रखिए और कुछ ऐसा वर्क करिए कि कुछ दिनों बाद लोग बोलना चाहिए कि भाई आप क्या करते हो और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, या आप जो काम कर रहे हो मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमें नंबर 4 जो मैंने बताया कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस का ध्यान रख के सबसे रिलेशनशिप बना के रखना है, किसी से भी ऐसा रिलेशन खत्म नहीं करना है कि उसने आपके बिजनेस को ना बोला और आपने उससे रिलेशन खत्म कर लिया। हमें हमेशा रिलेशन बना के रखना है। नंबर 5, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं लीडरशिप पे काम करूँ कि प्रोडक्ट पे काम करूँ। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ आपको दोनों पे काम करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले आते तो प्रोडक्ट के माध्यम से है और कुछ दिनों बाद वो लीडर बन जाते और इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और कुछ लोग हमें लीडर लगते हैं लेकिन वो भी प्रोडक्ट पे आ जाते और बिजनेस नहीं कर पाते। हमें दोनों चीज़ों पर काम करना है। नंबर 6, आज आपको मैं बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जो कि मिलियन डॉलर सीक्रेट है, जो इस बिजनेस में बहुत काम आता है। आप जिससे भी प्रोस्पेक्टिंग करें हमेशा उसे बाहर जाने का रास्ता खुला रखें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना आया है तो उसे ज्वाइन ही करना है। आप हमेशा उसे ये बात बोल दीजिए कि आपकी च्वाइस पे डिपेंड करता है, प्लान दिखाना हमारा काम है, च्वाइस आपकी रहेगी। और उसके लिए हमेशा दरवाजा खुला रखिए, कभी भी उससे रिलेशन खराब मत करें। नंबर 7, अपना पोस्चर हमेशा हाई रखिए, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने काम पे पूरा विश्वास रखिए। कोई भी आपको आके अगर बोलता है निगेटिव वर्ड तो उससे हमें बहस नहीं करना है, ठीक है कह के अब आप उसे ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरा कुछ और प्रोस्पेक्ट है जिनसे मुझे अभी मिलने जाना है और वो अभी इसे ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, इतना कह के आप वहाँ से उठ जाइए और अपने पोस्चर को हाई रखिए। अपनी कंपनी पे आपका बिलीव रहेगा तो कोई भी आपके विश्वास को हिला नहीं सकता और कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हमें बहस करके उसे अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी पे आपका पूरा भरोसा ये काफी है। नंबर 8, आपको फेसबुक पे बहुत से ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो जिम से रिलेटिव रहते हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आप वहाँ अपने प्रोडक्ट का प्रचार मत करिए, उनसे रिलेशन बनाइए, प्राइवेट मैसेज में बात करिए और अपने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए कि ये चीजें हम भी यूज कर रहे थे और हमें ये फायदा हुआ। सिर्फ फायदे बताइए, जब आपसे वो बात करे तो अपना प्रोडक्ट उन्हें रिकमेंड करिए। तो ये प्रोडक्ट प्रमोशन का बहुत अच्छा तरीका है। आप कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के एरिया में भी बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप लोकेशन डाल दीजिए अपने आसपास का। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप दूर के ही प्रोस्पेक्टिव से बात करें, आप अपने आसपास के लोकेशन में भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बाकी काम फिर आपको उसी तरह करना है जैसे ऑफलाइन करते हैं। अच्छी बात सोशल मीडिया की है कि आप जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिस तरह के लोग चाहते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। मतलब आप जो चीज ढूंढते हैं वो चीजें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया की। नंबर 10, मीटिंग के लिए आपको किन से मिलना है। सबसे पहले अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जानकारी हुई है तो उन्हें कुछ टूल्स दे दीजिए। जब वो सारे टूल्स देख लेते हैं और वो आगे कुछ और जानना चाहते हैं तो उनसे आप फेस टू फेस मिलिए। तो फेस टू फेस मिलने के बाद सिर्फ आपको उनको उसके आगे की जानकारी देना रहता है। प्रोस्पेक्टिंग आपकी पहले ही हो जाती है, आपका आधा काम तो आपके टूल्स ही कर देते हैं। तो जब सामने वाला पूरी तरह से एग्री हो कुछ और आगे जानने के लिए, तभी आप उससे मिलिए। के साथ भी आप बिजनेस डिस्कस करके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और डिस्कस करने के बाद आपको जैसे आता है, आपके टीम में जैसा सिखाया गया है उसके आगे आप वैसा काम कर सकते हैं। ये थी 11 स्ट्रेटेजी जो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे और सही तरीके से इसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। इनमें से कुछ बातें मैं आपको एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको सवाल पूछना है। सवाल पूछने के साथ ही आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के साथ अपना पोस्चर हाई रखना है। फॉलो अप आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। कनेक्शन प्लस प्रोस्पेक्टिंग बराबर अप्रोचिंग। और इस तरह से सिंपल फॉलो अप करके आप अपना प्रोस्पेक्टिंग खत्म कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने 11 स्ट्रेटेजी बताई है उस पर आप पूरी तरह से वर्क करेंगे। और एक काम और करना है कि अपने सोशल मीडिया पे जो आप अपना ब्रांड क्रिएट करने का वर्क कर रहे हैं उसे 2 से 3 बार आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है और सही तरीके से लोगों को लाइक करते जाना है, कमेंट करना है। इसी तरीके से आपका एक ब्रांड क्रिएट होगा सोशल मीडिया पे, लोग को जानेंगे, लाइक करेंगे और आप पे विश्वास करेंगे, जो हमारा मेन काम है सोशल मीडिया पे वर्क करने का। और इस तरीके से आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके अपना ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।